रहता है सब लोगों को कि हमारे चेयरमैन यहाँ आए और नाथी गाँव में वो 100 यहाँ ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नगर में 1200 हैं, इंग्लिश मीडियम तालीम है। और मैं बहुत वक्त के साथ ये कह सकती हूँ कि हमारे जो पांच नंबर 13 जिसका टोकन नंबर है वो लोगों का एडमिशन कंफर्म है। 1 से 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो पहले आए उन्होंने 87, 87, 72, 72, 99, 99, 42 61, 100, 126, 52, 38, 38, 120, 12, 78, 78 एडमिशन जनाब अकबरुद्दीन साहब पहले से बोल चुके हैं कि यतीम बच्चों के लिए वो सीट फिक्स है। दस्तक है उनको दिया गया और 56 जो है सो यहाँ पुरान दादी होगी और 10 जो है सो यतीम बच्चों के लिए जो सबसे पहले जो सो रिजर्व कर दिया गया। इस तरीके से 76 हुए, 2400 निकाले जा रहे हैं। 210, 210, 123, 123, 161, 161, 157, 157, 2 हमारे पास 232 आई थी जिसमें से 100 का दाखिला होता है, 132 महरूम रह जाते हैं दाखिले से हमारे स्कूल में, लेकिन हम इन 132 बच्चों के दाखिले का सरकारी मदारस में भी इंतज़ाम करवाए हैं और जिन लोगों को यहाँ पे दाखिला नहीं मिला है वो मायूस न हो, अपने तफसीलात यहाँ पे रखिए। यहाँ पे प्रिंसिपल है, हमारे टीचर्स हैं, अतराफ अटनाफ में जो सरकारी मदारस है उन सरकारी मदारस में दाखिले को यकीनी बनाएंगे। हम अपने तौर से किसी को दाखिला जिसका नसीब हम उन्हीं को देते हैं, तो जिनकी छुट्टी उठी है उनको मुबारकबाद देता हूँ और जिनका नहीं उठा है इंशाल्लाह हमारी तरफ से सरकारी मदारस में उनके दाखिले को हम यकीनी बनाएंगे। तालीम हासिल करना है चाहे इस मदरसे में हो या कहीं और हो, तालीम ज़रूरी और अहमियत की चीज़ है और वही अहम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं, आप सब की दुआओं का नतीजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि
आज हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी फैला रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ तालाब कट्टे में स्कूल है, फिर जमाल कॉलोनी में है, हाफिज बाबा नगर में है, नरकी फुलबाग में है, और फिर अब्दुल्लागढ़ में भी तामीर का आगाज हो चुका है। नांदेड़ में महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में भिवंडी में भी हमने जमीन खरीदी है और वहाँ पे भी आबाद होगा। मालेगांव में भी जमीन खरीदी है, वहाँ पर भी तामीर का आगाज हो रहा है। तो हमारा मकसद तालीम को फरोग देना है और वो गरीब जो तालीम और इल्म से महरूम है उनके घर तक तालीम को पहुँचाना और जहालत का खात्मा करते हुए इल्म की जेवर से उनकी जिंदगियों में एक नए उजालों का लाभ को लाना, यही हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मकसद कामयाब हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे और भी हम काम करेंगे। न सिर्फ ये दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम के ऊपर भी हमने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल को भेजते हैं तालीम के लिए अंग्रेजी साइंस मैथमेटिक्स या दूसरे मजामीन की तालीम के लिए भेजते हैं, तो उसके बाद घर को जाने के बाद में होमवर्क रहता है या फिर कुछ असाइनमेंट रहता है या फिर स्कूल में जो पढ़ाए उसको पढ़ना रहता है, लेकिन हमारे बच्चे दुनियावी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो मरकज कर रहे हैं और जिसकी वजह से दुनियावी तालीम से दूर हो रहे हैं और घर जाकर कुरान के लिए या फिर अहादीस के लिए या तारीख इस्लाम के लिए सारी चीज़ों के लिए बोले साहब आते भी हैं तो घर से रवाना कर दिया जाता है कि आज होमवर्क ज़्यादा है, यूनिट टेस्ट है या इम्तहान की तैयारी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने सालारी मिलन एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से एक निसाब का मुरतब किया है, निसाब बनाया है, जिसके जरिए हमारे स्कूल में ही हम जो बच्चा दाखिला लेता है वो दसवीं जब पास करता है तो मुकम्मल कुरान को ख़त्म करता है, अहादीस को ख़त्म करता है, तर्जुमा तो कुरान का तर्जुमे को ख़त्म करता है, तारीख़ इस्लाम से वाकिफ होता है, दुआओं को याद करता है और सारी मजहबी दीनी शरई अहकाम से वो वाकिफ होता है और घर पर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पूरी तालीम हमारे मदरसों में दी जाती है और इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं जनाब अनवार साहब ओएसी इस्लामिक सेंटर और हमारे ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो दीनी तालीम के शोबे के जिम्मेदार हैं। बरसा बरस से 10 बरस से आप ये काम कर रहे हैं हमारे मदरसों में। अल्हम्दुलिल्लाह आप अनवार साहब और उनके साथियों की जिद्दोजहद कोशिश व काविशों के नतीजे में निसाब मुरतब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो निसाब सारे शहर हैदराबाद में बहुत ही इसकी मांग है और लोग चाहते हैं कि ये निसाब हो। नर्सरी से लेकर 10वीं जमात तक सारी मजहबी मालूमात इन किताबों में दस्तियाब हैं। तो हम ये निसाब हमारे ओएसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के लिए बनाए थे और इसके बाद कई प्राइवेट मदरसे आगे बढ़कर आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके स्कूल में भी ये निसाब की तालीम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ने दुनियावी और दीनी दोनों काम ओएसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के असातिज़ा से जिम्मेदारों से ले रहा है। मैं तो सिर्फ इरादा करता हूँ लेकिन ख्वाब देखता हूँ, मेरे इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पढ़ाने वाले सारे टीचर हमारे प्रिंसिपल रुबीना मोहतरमा साहिबा और हमारे नजमुद्दीन सिद्दीकी साहब या अनवार साहब और दूसरे जितने टीचर्स हैं, इन सालों की कोशिश है कि वो हमारे ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इन मदरसों की हिफाजत फरमाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को नेक बनाए, काबिल बनाए, मशहूर बनाए, मारूफ बनाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की हिदायत अता फरमाए।
यहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इनके घरदार की हिफाजत करे, इनको दुनियावी और दीनी कामयाबी अता फरमाए और इस मदरसे की हिफाजत करते हुए इस मदरसे के लिए जो भी अपने तरफ से जो भी अपना ताबुन देते अल्लाह इन सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए, इन सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, इन सब की आल औलाद की हिफाजत फरमाए, इनके घरों की हिफाजत फरमाए, इनके औलाद को नेक और काबिल बनाए, हमारे बच्चों को नेक और काबिल बनाए। वाकर अलहमदिल्ला रबी।